नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। कांग्रेस आला कमान तीसरे दिन भी नहीं सुलझा पाया राजस्थान का मुद्दा। जयपुर से दिल्ली आए सचिन पायलट, सोनिया गांधी से मुलाकात की भी अटकलें, पार्टी पर्यवेक्षकों ने सौंपी लिखित रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत की दावेदारी पर सवालों के बीच नए अध्यक्ष के नाम को लेकर अटकले थे। सोनिया गांधी से मिले सीनियर नेता ए के एंटनी, पवन बंसल ने भी लिया नामांकन पत्र, 30 सितंबर को नामांकन भरेंगे शशि थरूर। शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई में उद्धव गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, चुनाव आयोग के सिंबल और पार्टी को लेकर फैसले लेने पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार, उद्धव ठाकरे की याचिका को किया खारिज। देश के 8 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर फिर छापेमारी कार्रवाई, 170 से अधिक हिरासत में, लगातार दूसरे हफ्ते पीएफआई पर कसा शिकंजा। उच्चतम न्यायालय ने शिक्षण संस्थानों में दाखिले और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण को लेकर फैसला सुरक्षित रखा। ईडब्ल्यूएस से जुड़े संविधान के 103वें संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर रखा फैसला सुरक्षित। दिल्ली हाईकोर्ट ने आप और इसके कई नेताओं को उपराज्यपाल विनय सक्सेना पर झूठे आरोप लगाने से बचने का निर्देश दिया। दरअसल आप और इसके नेताओं ने उपराज्यपाल पर 1,400 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। अंकिता हत्याकांड के आरोपियों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट, उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य, प्रबंधक सौरभ भास्कर और सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता पर लगेगा एक्ट। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में गरबा आयोजकों को नृत्य पंडालों में प्रवेश की अनुमति देने से पहले लोगों के पहचान पत्रों की जांच करने के लिए कहा गया है। राजस्थान में जारी राजनीतिक सरगर्मियों के बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मंगलवार को दिल्ली पहुंचे। हालांकि कहा जा रहा है कि पायलट निजी काम से दिल्ली गए हैं, इसका मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम से कुछ लेना देना नहीं है। शिंजो आबे को याद कर भावुक हुए पीएम मोदी, द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के साथ साथ एकमुक्त, खुले व समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए आबे के योगदान को याद किया। कहा, भारत आपको याद कर रहा है शिंजो आबे। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सर्दियों में वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए 30 सितंबर को 15 सूत्री कार्य योजना की शुरुआत करेंगे। 5,000 मीटर से बड़े सभी निर्माण व तोड़फोड़ स्थलों पर एंटी स्मॉग गन अनिवार्य। रुपए की गिरावट को लेकर कांग्रेस से सादा केंद्र सरकार पर निशाना, पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि रुपए में गिरावट ने मोदी सरकार की विफलता का पर्दाफाश कर दिया है। कहा, मोदी जी से एक ही आग्रह है कि रुपए को शतक लगाने से रोके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 29 और 30 सितंबर को गुजरात दौरे पर 29,600 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन भी करेंगे पीएम। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस में आरोपी पुलकित आर्य पर कसा शिकंजा, रिसोर्ट की पूर्व कर्मचारी का सनसनीखेज आरोप, रिसोर्ट में होती थी गलत गतिविधियां। मध्य प्रदेश के 8 जिलों में पीएफआई के ठिकानों पर छापा, 21 संदिग्ध हिरासत में, जांच में पीएफआई के सदस्यों का पाक कनेक्शन भी आया सामने, बोले गृह मंत्री, जांच रिपोर्ट आने के बाद होगी कार्रवाई। महाकाल लोक कॉरिडोर के नाम से जाना जाएगा उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर। कैबिनेट की बैठक में शिवराज सरकार का फैसला, 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले चरण का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के सराफा बाजार में सोना 195 रुपए टूटकर 49,580 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 49,775 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हुआ था बंद। चांदी में 195 रुपए गिरकर 56,155 रुपए प्रति किलोग्राम रहे। सेंसेक्स में गिरावट का दौर लगातार जारी, सेंसेक्स 38 अंक की गिरावट के साथ 57,108 अंक पर हुआ बंद। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 9 अंक की मामूली गिरावट के साथ 17,007 अंक पर हुआ बंद। अभिनेत्री आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के सम्मान के लिए चुना गया, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी। 30 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उन्हें किया जाएगा सम्मानित। 2017 में फिल्म रईस के प्रचार के दौरान वडोदरा रेलवे स्टेशन में मची भगदड़ मामले में शाहरुख खान को अदालत से मिली राहत, अदालत ने अपील खारिज करते हुए कहा कि भगदड़ मचने के लिए एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना गलत। ये थी फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ, इन्हें विजिट करें वेब दुनिया। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।